आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं बिना गलती के तो आप कैसे भरेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी वर्ड आप इसमें लिखेगा वो वर्ड यहाँ पर फाइनली कैपिटल लेटर में कुछ इस प्रकार आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों ऊपर में आपके सामने में तीन ऑप्शन मिला है कि न्यू, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट का। तो इसमें आपको दोस्तों एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का यहाँ पर दोस्तों टैप पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का आपको लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके सामने में एक ऑप्शन मिलेगा कि न्यू का, तो सिंपली आपको न्यू वाले ऑप्शन पर आपको टिकआउट करना है। टिकआउट कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे आपका अपना एप्लीकेशन नंबर पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इसको ऐसे खाली छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका अपना नाम पूछेगा, तो इसमें आपको अपना नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में स्पेस देकर आपको इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। लिखिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि उसी के नीचे में यहाँ पर आपके सामने में पूछेगा कि यहाँ पर कि नेम एस यू वर्ल्ड लाइक इट ऑन डॉ कार्ड, यानी दोस्तों आप जो एटीएम कार्ड लेंगे तो उस पर किसका नाम रहेगा, तो सिंपली वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें आपको अपना ही यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे तो इस वाले बॉक्स में दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड के साथ जो भी दोस्तों एड्रेस होगा वो सही सही आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद उसके नीचे में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि टॉमस सिटी, तो इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसके नीचे स्टेट पूछेगा, तो इसमें आपको अपना स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इसमें यहाँ पर आपसे पूछा कि टेलीफोन नंबर, तो दोस्तों आपको इसमें अपना टेलीफोन नंबर होगा तो आपको यहाँ पर लिखना, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड पूछेगा, तो इसमें आपको अपना पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखेगा तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ईमेल आईडी, तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि अकाउंट टाइप का, तो इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पर सेविंग वाले एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको सेविंग वाले ऑप्शन पर आपको टिकआउट करना है। टिकआउट कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जेंडर, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर मेल है कि फीमेल है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर आपको टिक लगाना है। जैसे दोस्तों हमको यहाँ पर फीमेल पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद उसके नीचे में यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा तो उसके नीचे में यहाँ पर पूछेगा कि अकाउंट नंबर, तो इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर आपको इसमें लिखना है। लिखा तो उसके नीचे में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए, तो इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों एटीएम कम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको टिकआउट करना है। टिकआउट करने के बाद दोस्तों आप चाहेंगे तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पर टिकआउट लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ज़्यादा सजेशन देंगे कि आप यहाँ पर एटीएम कम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर ही आप टिकआउट करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपसे पूछा कि पैलेस, तो इसमें आपको अपना पैलेस का नाम इसमें आपको लिखना है। जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि डेट, तो आप जिस दिन भी एटीएम कार्ड लेंगे वो डेट आपको इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करके आपको अपने ब्रांच में सबमिट करना है। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड फाइनली मिल जाएगा।